नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल फार्म है। इनकी एज इन्होंने बताई 41 वर्ष। सवाल थे कि बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, और उन्होंने एक अमाउंट ही बताई कि मैं 100 करोड़ रुपये कमाना चाहता हूँ, 100 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, उनके हाथ में पहले यही चीज़ देखते हैं कि क्या ये बड़ा बिजनेस बना पाएंगे, और जो इन्होंने बात कही 100 करोड़ की, क्या उतना कमा पाएंगे। देखिए, आपके हाथ में मैं सबसे पहले क्या देख पा रहा हूँ, आपके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत है, बिजनेस लाइन भी मजबूत है, जीवन रेखा उससे मजबूत है, और मंगल रेखा भी है हाथ में, और यहाँ पर ट्रायंगल भी बना है, यानी हाथ में मान सकते हैं बहुत मजबूती है। लेकिन जो आपने अमाउंट बताई 100 करोड़, उस जैसे हाथ में निशान नहीं है। तो मान के चलेगा कि देखिए 100 करोड़ तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ बाकी काफ़ी अच्छे लंका पैसा कमा ही पाएंगे, और 1-2 करोड़ तो काफ़ी छोटी बात हो जाएगी। अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, पैसा भरपूर कमाने के जीवन में पूरे पूरे होगा आपके हाथ में, मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन 100 करोड़ जितना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट आपके हाथ में अच्छा पैसा है, हर रूप में है। और देखिए, एक टारगेट फिक्स नहीं होता, सफल व्यक्ति वो है जिसने ये मायने नहीं रखता कि पैसा कितना कमाया, ये मायने रखता कि व्यक्ति ने अपने जीवन को सात्विकता के साथ जिया है नहीं जिया, दान दक्षिणा किया ही नहीं किया। अगर आप 100 करोड़ रुपये कमा भी लेंगे तो आपका खाना खर्चा तो मेरे ख्याल से 10 करोड़ में चली जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आपको, जो मेरी पामिस्टिक नॉलेज कहती है कि अगर आप दिन में 100 रुपये भी कमाते हैं, 100 करोड़ तो दूर की बात है, अगर आप 100 रुपये भी कमाते हैं तो 10 रुपये का दान कीजिए। कैसे होते, इस प्रकार गरीब लोगों में खाना दीजिए। परमात्मा सब देख रहा है, परमात्मा उसी को देता है जो कि गरीब लोगों की मदद करता है। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में रहेगी, अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, गरीबों को खाना देते हैं और अन्नदान करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। तो ये सारे कार्य भी अपने जीवन में कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ ये सारे कार्य करके मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अन्नदान जैसे कार्य करके, क्योंकि देखिए अन्नदान होता है महादान, अन्नदान छोड़ो कोई दान नहीं होता। तो अगर आपकी चाहते हैं कि आप बड़ा पैसा कमाएं तो आपको बड़ा दान भी करना रहेगा। तो देखिए, इतना कोई बड़ा दान नहीं होता, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं आता। 15 दिन में एक बार घर से बनाकर खाना ले जाइए और गरीबों में उसको बांटिए, आपको 110% मेरे दी गई ये वाले उपाय करके लाभ मिल जाएगा, फायदा आपको रहेगा। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, परमात्मा सब देख रहे हैं, अगर परमात्मा की कृपा बरसती है तो व्यक्ति को वो तो मिलता ही मिलता है जिसकी किस्मत में होता है, वो भी मिलता है जिसकी किस्मत में नहीं होता। तो बस ये सत्कर्म कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, भगवान की कृपा पाइए, तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। अब आपके हाथ का जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पर पारिवारिक समस्या की रेखा है, इसके आपको उपाय देने की जरूरत है, इसके आपको उपाय दे दूंगा तो आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। बाकी आपको परिवार में समस्या रहने वाली है, पहले भी रहती रहेंगी, आगे भी रहेंगी, और आपके हाथ में कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3-4 बार संघर्ष प्रयास का सामना करना, ऐसी चीज़ें आपके हाथ में मैं आपके शुक्र पर्वत द्वारा देख पा रहा हूँ। जो आपके हाथ का मंगल है, मंगल पर ये आड़ी रेखाएं भी हैं। मंगल पर जब ये रेखा होती है तो ये होती है राहु रेखाएं। कुछ रेखा आपकी जीवन रेखा को भी काट रही है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इशूज, फैमिली प्रॉब्लम्स ये आपको जीवन में लगी रहेंगी। इसके आपको उपाय भी दे दूंगा, आपके हाथ में इनके उपाय करना सख्त जरूरी है। जब आप इनके दोनों के उपाय कर लेंगे तब आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आपके हाथ में काफ़ी मजबूती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी भी आपके हाथ में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, देखिए आपके हाथ की जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, बृहस्पति पर यहाँ पर स्क्वायर बन गया है। बृहस्पति पर बना हुआ स्क्वायर बहुत शुभ लाभ देता है। कैसे लाभ देगा, देखिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा निष्फल भाव से मेहनत करनी चाहिए। अगर अपना फ़ायदा ना सोचते हुए और लोगों का फ़ायदा सोचते हैं तो 110% बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा जितनी रहेगी आपके जीवन में आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करते हैं तो फिर बुरा लाभ मिलेगा, ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। और हमेशा समाज सेवा की तरफ आगे बढ़िए, आपको 100% अपना खुद का फ़ायदा होते हुए ये कार्य करके दिख जाएगा। शनि पद पर एक रेखा इस प्रकार आ रही है, शनि पद पर जब रेखा इस प्रकार का मेल हो जाए मंगल से तो ये भी आपको बढ़िया लाभ देगी। ये जो कॉम्बिनेशन होता है बुढ़ापे के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, बुढ़ापे में भी अच्छा पैसा अर्जित करता है, अच्छा भाग्य उदय होता है, अच्छा फैमिली का सपोर्ट मिलता है, कुल मिलाकर शुभ लाभ ही व्यक्ति को ये सारे कार्य करके जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में।
इसके साथ साथ देखिए, अगर आप फाइनेंस का कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फाइनेंस से जुड़ा बिजनेस भी आपके हाथ में चल जाएगा। सूर्य पर्वत पर एक सुंदर सी सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत से ही बताया जा सकता है कि व्यक्ति जीवन में कितनी बड़ी सफलता को पाएगा। आपके हाथ में सूर्यदेव अच्छी अवस्था में, तो बड़ी सफलता तो मिलेगी, लेकिन देखिए जो आपने अमाउंट बोली थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इतने मजबूत साइन हाथ में नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति से तो ऊपर ही रहेंगे। बड़ा स्टेटस, एक अच्छे लेवल की इनकम या अच्छे लेवल का मान सम्मान स्टेटस जीवन में कमा पाएंगे, ये चीज़ आपके सूर्य पर्वत पर मैं देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो आपके हाथ का बुध पर्वत है, बुध पर्वत पर एक से दो रेखाएं हैं, थोड़ी थोड़ी सी हैं, तो ये जब रेखा होती है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति प्राइवेट जॉब में भी जाए तो बड़ा लाभ कमाते हैं। क्यों कमाते हैं देखिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर मैनेजर क्वालिटी अच्छी होती है, लोग अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एचआर लेवल तक पहुँच जाता है, वाणी पर पूरा काबू रहेगा, व्यक्ति वाणी के द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करता है। इस तरह के योग भी आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। मंगल आपके हाथ में बढ़िया है, मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, पराक्रमी हैं आप स्वभाव से, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव में दबाव को सोखने की क्षमता, किसी तरह के संकट एवं दबाव में काम करने की क्षमता और संकट के समय आपा न खोने की क्षमता बनी रहेगी। आपकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव रहेगी, आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाते हैं। इस चीज़ के भी मैं पूरे एवं अच्छे योग आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। और देखिए आपके हाथ में चंद्र भी बढ़िया अवस्था में, इस प्रकार के जब चंद्रदेव होते हैं कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी बढ़िया लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? चंद्रदेव आपके हाथ में मन की शांति के कारक होते हैं। ये रहे, ये ट्रेवलिंग लाइन भी है, ट्रेवलिंग लाइन जब होती है तो व्यक्ति जीवन में अच्छा सा ट्रैवल करता है, जितना बाहर निकलेंगे अपने शहर से, जितना नए लोगों से मिलेंगे, जितना उनसे कुछ सीखेंगे, उससे आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा अपने जीवन में। चंद्र देवता आपके जीवन में मन की शांति एवं सफलता के कारक हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई है, तो आप काफ़ी समझदार हैं और समझदारी से लिए गए निर्णयों पर हमेशा अमल करते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, तो आप काफ़ी समझदार हैं और जीवन में जब भी निर्णय लेंगे समझदारी से लेंगे और जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जब भी आपने डिसीजन लिए हैं राइट टाइम पर, वो हमेशा सही लिए हैं और अपने लिए गए निर्णयों पर आपने मेहनत करी है और सफलता अर्जित की है। इस तरह के आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यहाँ जो पिंकी फिंगर है, ये सूर्य कुंडली के फिफ्थ लेवल तक पहुँच गई है। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है। व्यक्ति पैसे को अगर सेविंग से इन्वेस्टिंग पर ध्यान दे तो बड़े लाभ मिलेगा, ये कार्य वो कर सकते हैं। जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको लाभ 100% मिलेगा, अगर पैसा बचाएंगे तो देखिए आपका स्वभाव खर्चीला है, तो ये चीज़ रहेंगी आपके जीवन में कि आप अपने पैसे को जल्दी खर्च करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना पैसा अपनी नज़रों से ओझल दूर रखना चाहिए, तब बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसे नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आपको अच्छा लाभ मिलेगा जीवन में। हृदय रेखा बहुत मोटी है, हृदय रेखा डबल है, तो ये जब हृदय रेखा डबल हो जाए तो सबसे पहले बुढ़ापे के अंदर आपको इमोशनल हर्ट, पैसे के लेन देन में धोखाधड़ी, मित्र शत्रु समस्या और हेल्थ इश्यूज जैसे कि डायबिटीज़, बीपी की समस्या या फिर दिल की समस्या, ये समस्या आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? इसके लिए आपको ये करना रहेगा कि अभी से चीनी छोड़ दीजिए। अगर ऐसे व्यक्ति चीनी का उपयोग ना करते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है, हेल्थ सही रहती है, फिर बुढ़ापे में समस्या नहीं आएगी। सुबह सुबह नेचर के करीब जाकर वहाँ थोड़ी देर समय बिताइए, खुली हवा में सांस लीजिए, पेड़ पौधे के पास वक्त बिताइए, सुबह सुबह उठकर योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज कीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसे कार्य नहीं करते तो फिर आपको बुढ़ापे में हेल्थ की समस्या आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर तीन निशान बने हुए हैं, ये तीन निशान जब बनते हैं तो व्यक्ति के सरकारी लाभ बढ़िया बनते हैं, पॉलिटिकल लाभ बढ़िया बनते हैं और व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है, फिर शादी का ससुराल पैसे वाला हो जाता है। जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा मजबूत है, सीधी चलिए तो व्यक्ति बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और आप जहाँ लॉजिक लगा देंगे वहाँ सफलता मिल जाएगी। बौद्धिक स्तर आपका बढ़िया है, जब भी निर्णय लिए हैं दिमाग से लिए हैं, सोच कर लिए हैं, चीज़ों को जांचा परखा है, तो व्यक्ति के जीवन में कभी फ्रॉड हो जाना, स्कैम हो जाना, ऐसे कोई संकेत नहीं है। आपको बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल रहा करेगा। और ये मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, छोटी छोटी बातों को जल्दी याद कर पाते हैं और एग्रेसिव सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। हाथ में आपके जीवन रेखा पर आया जाए तो जीवन रेखा ये है, जीवन रेखा पर बहुत सारी राहु रेखाएं ये नुकसान देंगे, हर तरह का नुकसान आपको इन राहु रेखाओं से मिलेगा, इसके आपको सख्त उपाय करने की जरूरत रहेगी।
लास्ट में जीवन रेखा दो भाग में टूटी है तो ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहेगी। जब ट्रैवल करेंगे जीवन में वो सारे उद्देश्य जीवन में सफल होंगे। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है और दो दो मनी ट्रायंगल हैं। ये जब मनी ट्रायंगल होते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलता है। संतान द्वारा पूरा सपोर्ट, पूरी सेवा रहेगी और पैसे से जो पैसा बनाने की कला है वो हाथ में रहेगी। संतान द्वारा अच्छा पैसा घर में आता है। क्यों आएगा? क्योंकि बुढ़ापे में ट्रायंगल बना हुआ है, तो संतान द्वारा पैसा, आपके अच्छा खासा पैसा आपके जीवन में, आपके घर में आएगा जब आप वृद्धावस्था में रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया, आपके पाम के लिए डे थी। यहाँ पर पारिवारिक समस्या क्या आपको उपाय दूंगा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मंगल पर रेखा है, इसके आपको उपाय दूंगा मैं। और आपके हाथ में राहु रेखाओं के उपाय देने जरूरी हैं। और देखिए आपके हाथ में संघर्ष भी है, सफलता काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन जो 100 करोड़ वाली बात है वो शायद ना हो पाए। लेकिन बिजनेस में बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, ऊंचे चले जाएंगे। बिजनेस आपके हाथ में बढ़िया है। भाग्य रेखा मजबूत है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है आपको, और पारिवारिक समस्या भी आएंगी। जब मेरे दिए गए उपाय से होते हैं कि आपको वो रोज़ करने पड़ेंगे, आज से 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हमेशा उपाय करने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1-2 महीने उपाय किए बाद में छोड़ दिया। नहीं, अगर आपने बीच में उपाय छोड़ देते हैं तो फिर मेरे से चीज़ करवाने में कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि असर दिखेगा ही नहीं आपको चीज़ों का। अगर आप उपाय रेगुलर करेंगे तो आपको 2 सालों के अंदर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और करते हुए उपायों के जरिए अपना भाग्य तो खुद देखेंगे। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की लेट ये थी। और एक समस्या है, राहु रेखाएं भी हैं, बंधन योग लगा हुआ है, इसके उपाय करने की जरूरत नहीं क्योंकि समय निकल चुका है। यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, तो जितना निष्फल भाव से मेहनत करेंगे, जितना समाज सेवा करेंगे उतना लाभ मिलेगा। बुढ़ापे के लिए अच्छे संकेत हैं। सूर्य रेखा सफलता दिखाती है, बौद्धिक स्तर भी, व्यापारिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। मंगल अच्छे हैं, चंद्र अच्छे हैं, ट्रैवलिंग लाइन रहेगी। जितना अगर ट्रैवल करेंगे, जितना नए लोगों से मिलेंगे उतना लाभ मिलेगा। भाग्य रेखा मजबूत है, लेकिन राहु रेखा कट रही है, इसके भी आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी। ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है, धनुषा का रेखा तो उतनी समझदार है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।